दोस्तों, मैं देवेनारी और आज फिर से हम हमारे चैनल पर हाजिर हैं आपके सामने क्वेश्चन बैंक लेकर। 2022-23 की सब्जेक्ट इंग्लिश है, क्लास 11th है। और पिछले वीडियो में हमने ब्लूप्रिंट भी बताया था, साथ में आपको जो है रिड्यूस हुआ सिलेबस बताया था। और फर्स्ट जो एंशिएंट पैसेज है, सेक्शन ए के अंतर्गत हम सारे एंशिएंट पैसेज को सॉल्व कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, उनके क्वेश्चन समझ रहे हैं। क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें अधिकतर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बैंक से ही आने वाले हैं। तो हमें क्या करना है कि अच्छी तरह से इस क्वेश्चन बैंक को समझना है और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेरे चैनल के माध्यम से मैं आपको पूरी प्रश्न बैंक समझाऊंगा, एक एक एंशिएंट पैसेज, ग्रामर, लेटर, जो भी चीज़ इसमें है, क्वेश्चन आंसर है, सारी चीज़ें मैं आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर के। पैसेज 2, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो जो है मिल जाए आसानी से। तो पैसेज 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये मैरी क्यूरी के बारे में, ठीक है। मैरी क्यूरी मैडम, मैरी क्यूरी का आपने नाम सुना होगा कि उनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था और उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है साइंस साइंटिफिक इन्वेंशन में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी क्यूरी वाज वन ऑफ द मोस्ट अकम्प्लिश्ड साइंटिस्ट इन हिस्ट्री। मेरी क्यूरी जो है इतिहास में सबसे ज़्यादा है ना अकम्प्लिश्ड, यानी कि जानी मानी, या कह दिया जाए कि पूर्णता को प्राप्त जो वैज्ञानिक थी। टुगेदर विथ हर हस्बैंड पियरी सी डिस्कवर्ड रेडियम। अपने पति पियरी के साथ में उन्होंने रेडियम की खोज की थी, एन एलिमेंट वाइडली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कैंसर, एक ऐसा तत्व जिसका इस्तेमाल कैंसर के उपचार में किया जाता है, एंड स्टडीड यूरेनियम एंड अदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। और उसके साथ ही उन्होंने जो है यूरेनियम और दूसरे रेडियोधर्मी है ना तत्वों की खोज भी की थी। पियरी एंड मेरी एमिकेबल कोलेबोरेशन लेटर हेल्पड टू अनलॉक द सीक्रेट ऑफ द एटम। पियरी और मेरी का जो मैत्रीपूर्ण कोलेबोरेशन था यानी सहभागिता थी, उसके कारण बाद में जो है हेल्पड टू अनलॉक द सीक्रेट ऑफ द एटम। जो एटम है, एटम यानी कि जो परमाणु होता है, उसके जो सीक्रेट्स है, उसके जो रहस्य, उनको जानने में, उनको उजागर करने में भी बाद में इन लोगों का बहुत योगदान रहा, इनकी खोज वगैरह का। मेरी वाज बोर्न इन 1867 इन वर्सोवा पोलैंड। उनका जन्म 1867 में वर्सोवा में हुआ था, जो पोलैंड में है ना, पोलैंड के एक शहर का नाम वर्सोवा है। वेयर हर फादर वाज ए प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, जहाँ पर उनके पिताजी फिजिक्स के प्रोफेसर थे। एंड एट एन अर्ली एज सी डिस्प्लेड ए ब्रिलियंट माइंड एंड अ ब्लीथ पर्सनैलिटी। बचपन से ही वो जो है उनका जो दिमाग था वो बहुत ही ब्रिलियंट था, मतलब ब्रिलियंट यानी कि जिसको हम कह सकते हैं बिल्कुल शानदार था। और उनकी जो पर्सनालिटी थी वो बहुत ही ब्लीत थी। ब्लीत का अर्थ होता है बहुत ही, मतलब वो जिंदा दिल थी, बहुत हंसते खेलते सारे काम करते, मतलब बहुत मुस्कुराते हुए है ना, तो उसको बोलते हैं ब्लीत पर्सनालिटी। हर ग्रेट एग्जुबरेंस फॉर लर्निंग। एग्जुबरेंस का अर्थ होता है कि अत्यधिक तीव्र किसी चीज़ की इच्छा, उनको सीखने की बहुत ज़्यादा जो है इच्छा थी। प्रॉम्प्टेड हर टू कंटिन्यू विथ हर स्टडीज आफ्टर हाई स्कूल, जिसके कारण हाई स्कूल के से आगे की पढ़ाई के बारे में उन्होंने सोचा। मान लो कोई बच्चा है, यदि वो बचपन से ही थोड़ा कमज़ोर होता है तो आगे की पढ़ाई के बारे में नहीं सोचता है कि अब मेरे से तो इतना ही पढ़ पाएगा, लेकिन उनके अंदर सीखने की इतनी प्रबल इच्छा थी कि हाई स्कूल के बाद में भी उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। से बिकेम डिसग्रंटल्ड हाउ एवर वेन सी लर्नड दैट द यूनिवर्सिटी इन वर्सोवा वाज क्लोज टू वुमेन। वो बहुत ही डिसग्रंटल्ड हो गई, यानी कि थोड़ी सी गुस्से में आ गई जब उन्होंने सुना कि जो वर्सोवा है उसमें, जो यूनिवर्सिटी है वर्सोवा की, उसमें महिलाओं को पढ़ने के लिए आज़ादी नहीं, मतलब उस यूनिवर्सिटी में महिलाएँ नहीं पढ़ सकती हैं। जब ये बात उन्होंने सुनी तो उनको बहुत गुस्सा आया। डिटरमाइंड टू रिसीव हायर एजुकेशन, और उन्होंने आगे की पढ़ाई के बारे में दृढ़ निश्चय किया। और सी डेफिएंटली लेफ्ट पोलैंड। डेफिएंटली का अर्थ होता है बिना किसी की परवाह किए उन्होंने पोलैंड को छोड़ दिया। एंड इन 1891 इंटर द सोर्बन। कहां पर गई वो? 1891 में सोर्बन गई, फ्रेंच यूनिवर्सिटी में, वेयर सी अर्नेड हर मास्टर्स डिग्री एंड डॉक्टरेट इन फिजिक्स, जहां पर उन्होंने अपनी मास्टर की डिग्री ली और डॉक्टरेट किया उन्होंने फिजिक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरी वाज फॉर्चुनेट टू हैव स्टडी एट द सोर्बन विथ सम ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ हर डे। मेरी जो थी वो बहुत ही फॉर्चुनेट थी, भाग्यशाली थी कि उन्हें सोर्बन में बहुत सारे जो है महान वैज्ञानिकों के साथ काम करने का मौका मिला, वन ऑफ हुम वाज पियरी क्यूरी, और उनमें से एक का नाम था पियरी क्यूरी। मेरी एंड पियरी वेयर मैरिड इन 1895। उनकी शादी हो गई, किनकी? मैरी और पियरी की, 1895 में। एंड स्पेंट मेनी प्रोडक्टिव ईयर्स वर्किंग टुगेदर इन द फिजिक्स लेबोरेटरी, और उन्होंने बहुत सालों तक साथ में काम किया फिजिक्स लेबोरेटरी में। अ शॉर्ट टाइम आफ्टर दे डिस्कवर्ड रेडियम। पियरी वाज किल्ड बाय ए हॉर्स ड्रॉन वैगन इन 1906।
जब उन्होंने क्या किया, रेडियम को डिस्कवर किया, मतलब रेडियम की खोज की है ना, उसके क्या किया है, शॉर्ट टाइम आफ्टर, उसके कुछ ही समय बाद पियरी की मौत हो गई एक घोड़ा गाड़ी से गिरने के कारण 1906 में। मेरी वाज स्टंड बाय द हॉरिबल मिसफॉर्चून एंड इंड्यूर्ड हार्ट ब्रेकिंग एंग्यूज, मेरी जो है वो स्टंड हो गई, मतलब स्तब्ध हो गई इस प्रकार के बहुत ही है ना दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो घटना हुई थी उनके पति की मौत के कारण। और इंड्योर हर्ट, इंड्योर का अर्थ होता है सहन करना, उन्होंने उनके दिल ने सहन किया ब्रेकिंग एंग्यूज वेदना को, जिस वेदना के कारण उनका दिल पूरी तरह से टूट गया था, उस वेदना को, उस व्यथा को, उस दुख को उन्होंने सहन किया। डेस्पोंडेंटली सी रिकॉल्ड देयर क्लोज रिलेशनशिप एंड द जॉय दैट दे हैड शेयर्ड इन साइंटिफिक रिसर्च। डेस्पोंडेंटली का अर्थ होता है कि जो उदासीपूर्ण उनका जो जीवन हो गया था उसमें वो अक्सर क्या करते थे, रिकॉल किया करते थे, याद किया करते थे किस प्रकार वो साथ साथ मजा करते हुए, इंजॉय करते हुए सारे एक्सपेरिमेंट करते थे, सारे जो है साइंटिफिक रिसर्च करते थे। द फैक्ट दैट सी हैड टू यंग डॉटर्स टू राइज बाई हर सेल्फ ग्रेटली इंक्रीज हर डिस्ट्रेस, उनकी दो लड़कियां थी, उन लड़कियों के कारण उनकी जो है जो डिस्ट्रेस था, उनकी जो उदासी थी, उनका जो मातम था, वो कुछ हद तक है ना दूर हो रहा था, कम हो रहा था, लेकिन पूरी तरह कम नहीं हो रहा था। चलिए लास्ट में पढ़ते हैं। क्यूरियस फीलिंग ऑफ डेजोलेशन है ना, डेजोलेशन की जो फीलिंग थी उनकी, मतलब एकांतपन की जो फीलिंग थी, अकेलेपन की, फाइनली बिगेन टू फेड, अंततः वो खत्म होने लगी। व्हेन शी वाज आस्क्ड टू सक्सीड हर हस्बैंड एज ए फिजिक्स प्रोफेसर एट द सोर्बन, जब उन्हें सक्सीड किया गया कि आपके पति का उत्तराधिकारी आपको किया जाएगा फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में सॉर्बन यूनिवर्सिटी में, यानी उनकी उदासी, उनका अकेलापन उस समय थोड़ा दूर हुआ जब उनको उनके पति की जगह पर फिजिक्स का प्रोफेसर बना दिया सॉर्बन यूनिवर्सिटी में। सी वाज द फर्स्ट वुमन टू बी गिवन ए प्रोफेसरशिप एट द वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी, वो पहली महिला थी जिन्हें इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के द्वारा फिजिक्स या प्रोफेसरशिप की उपाधि दी गई थी, है ना, जिनको प्रोफेसर बनाया गया था। इन 1911 से रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 1911 में उन्हें केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार मिला फॉर आइसोलेटिंग रेडियम, किस लिए, रेडियम को आइसोलेटिंग करने के लिए, मतलब रेडियम को जो है अलग, इसकी एक पहचान, एक अलग तत्व के रूप में उसकी पहचान दिलाने के लिए उनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला 1911 में। ऑल्दो मेरी क्यूरी इवेंचुअली सफर्ड ए फेटल इलनेस, हालांकि मेरी क्यूरी जो है अंततः सफर्ड, सफर्ड यानी पीड़ित हो गई फेटल इलनेस, बहुत ही भयंकर बीमारियों से, फ्रॉम हर लॉन्ग एक्सपोजर टू रेडियम, मतलब रेडियम की संगति के कारण, रेडियम के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च या उसके ऊपर बहुत सारा काम करने के कारण जो है उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी, उनको बहुत है ना बीमारियाँ हो रही थी। सी नेवर बिकम डिसइल्यूजन्ड, डिसइल्यूजन्ड का अर्थ होता है कि कभी भी उनका मोह भंग नहीं हुआ, कभी भी इस चीज़ से वो ऊबी नहीं, कभी भी वो बोर नहीं हुई कि मेरे को ये काम नहीं करना है। अबाउट हर वर्क, अपने काम से कभी भी उनका मोह भंग नहीं हुआ, हालांकि रेडियम तत्व जो था उसके बारे में रिसर्च करने के कारण उनको बहुत सारी बीमारियां हो गई थी। रिगार्डलेस ऑफ द कंसिक्वेंस, मतलब कि जो है परिणामों की परवाह किए बिना, सी हैड डेडिकेटेड हर सेल्फ, उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया टू साइंस, विज्ञान के लिए, एंड टू रिवीलिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, और भौतिक की जो दुनिया है यानी कि फिजिक्स के जो दुनिया है उसकी मिस्ट्री एंड उसके रहस्यों को रिवील करने के लिए, उजागर करने के लिए, सबके सामने लाने के लिए उन्होंने अपने आप को जो है डेडिकेट कर दिया, समर्पित कर दिया। तो ये था मेरी क्यूरी के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्यूरीज कोलेबोरेशन हेल्प्ड टू अनलॉक द सीक्रेट ऑफ द एटम, क्यूरी का जो कोलेबोरेशन था किस प्रकार का कोलेबोरेशन था, तो उनका कोलेबोरेशन था फ्रेंडली, मतलब वो बहुत ही मित्रतापूर्ण व्यवहार करती थी, दोनों पति पत्नी बहुत हंसी मजाक करते हुए सारे काम करते थे। मेरी हैड ए ब्राइट माइंड एंड ए पर्सनालिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरी का जो दिमाग था वो बहुत ही ब्राइट था, पर्सनालिटी कैसी थी, तो ह्यूमरस थी, ह्यूमरस का अर्थ होता है बहुत ही मजाकिया पर्सनालिटी थी, वो जिंदा दिल थी वो। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन नहीं दिया, डायरेक्ट चौथा ऑप्शन दे दिया, तो इसी को हम करते हैं। चौथा है, व्हेन सी लर्नड दैट सी कुड नॉट अटेंड द यूनिवर्सिटी इन वर्सोवा, सी फेल्ट, जब उन्होंने जाना कि वर्सोवा में वो पढ़ नहीं पाएगी आगे, तो उनको कैसा फील हुआ, तो बहुत ही गुस्से में आ गई, एनॉयड हो गई। विच एलिमेंट इज वाइडली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कैंसर, है ना, अब इसका आंसर हम ढूंढेंगे कि किस एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के उपचार के लिए, तो आपको पता है कौन सा जो है एलिमेंट होगा, तो आपने यहाँ पर पढ़ा था कि जो एलिमेंट का नाम है ना, मैं आपको उसका आंसर बताऊँ, यूरेनियम। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर, यहाँ पर आपका आंसर लिखा है ये,
रेडियम, सॉरी, यानी रेडियम एन एलिमेंट वाइडली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कैंसर, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, रेडियम आ जाएगा ये। रेडियम एन एलिमेंट वाइडली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कैंसर, रेडियम का इस्तेमाल किया जाता था कैंसर के उपचार के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है छठा, व्हाई वाज मेरी अवार्डेड द नोबल प्राइज, तो मेरी को नोबल प्राइज क्यों मिला, तो केमिस्ट्री के लिए मिला था, है ना, और किस लिए मिला था, उन्होंने आइसोलेटिंग किया था, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 1911 से रिसीव्ड नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर आइसोलेटिंग रेडियम। ओके चलिए आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड सी अर्न हर मास्टर्स डिग्री एंड डेकोरेट डॉक्टरेट इन फिजिक्स, है ना, वह ने कहाँ पर उनको जो है मास्टर की डिग्री की उन्होंने और डॉक्टरेट किया फिजिक्स में, तो कहाँ पर किया था उन्होंने, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका कि उन्होंने मास्टर की डिग्री और डॉक्टरेट किया फिजिक्स में, तो सॉर्बन यूनिवर्सिटी में उन्होंने किया, कौन सी यूनिवर्सिटी में किया देख लेते हैं, यहाँ पर आ गया ये सॉर्बन, अ फ्रेंच यूनिवर्सिटी वेयर सी अर्नड हर मास्टर डिग्री एंड डॉक्टरेट इन फिजिक्स, ठीक है, इसका आंसर भी हमको मिल गया। आप मेरे साथ जो सारे क्वेश्चन के आंसर लगाते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है गिव द नाउन फॉर्म ऑफ डेजोलेट, डेजोलेट की नाउन फॉर्म क्या होती है, तो डेजोलेशन यहाँ पर लिखा है ना, डेजोलेशन, डेजोलेशन ये लिखा है, ये है ना, डेजोलेशन होता है इसकी नाउन फॉर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर ले, तो क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ वाज पियरी किल्ड, पियरी कैसे मरे, तो पियरी कैसे मरे थे, तो यहाँ पर हमने देखा था कि वो जो है एक घोड़ा गाड़ी से गिरने के कारण की मौत हो गई थी, तो इसका आंसर आ जाएगा ये पियरी वॉज किल्ड बाई ए हॉर्स ड्रॉन वैगन इन 1906 में एक घोड़ा गाड़ी से गिरने के कारण की मौत हो गई थी। और लास्ट क्वेश्चन है गिव द नाउन फॉर्म ऑफ डेजोलेट, ठीक है, तो डेजोलेशन इसकी नाउन फॉर्म होगी, क्या होगी, डेजोलेशन, सॉरी एक क्वेश्चन और रह गया अभी, है ना, होम डिड सी सक्सीड एज ए फिजिक्स प्रोफेसर एट द सॉर्बन, मतलब उन्हें सॉर्बन में किसकी जगह पर जो है फिजिक्स प्रोफेसर रखा गया था, तो किसकी जगह पर, उनके हस्बैंड की जगह पर रखा गया था, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर इसका, चलिए ये यहाँ पर आ गया, सी वाज आस्क्ड टू सक्सीड हर हस्बैंड एज ए फिजिक्स प्रोफेसर एट द सॉर्बन। तो फ्रेंड्स आई होप आपको सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे, पैसेज मैंने समझा दिया अपनी तरफ से। इसी प्रकार के यदि आपको वीडियोस देखना है और इस क्वेश्चन बैंक को अच्छे समझना है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो जब आपको अच्छा लगा है, आपको लगा है कि कुछ सीखने को मिला है, तो इसको लाइक करके जरूर जाइएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।